Today we will learn question answers from chapter 5.2 in Inqilab Zindabad. 1. What do you mean by inqilab or revolution? Inqilab ya revolution ka meaning kya hai? It means a complete change of a system or method. Ek system or method ka complete change. सिस्टम को चेंज करना. 2. When and where was भगत सिंह born? भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भगत सिंह was born on 27 September 1907. He was born in a village named Banga, which is in the Lialpur district of present-day Pakistan. भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था. उनका बर्थ बंगा विलेज में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान का लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में है. हाउ कैन यू से दैट भगत सिंह बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ पेट्रियट्स? आपको कैसे कह सकते हैं कि भगत सिंह पेट्रियट्स के, देशभक्तों के परिवार से थे? How do you know that? Bhagat Singh's father and uncle were members of the Gadar party. The aim of this party was to free India from the British rule. Thus, Bhagat Singh belonged to a family of patriots. Bhagat Singh's father and uncle Gadar party ke members the. Is party ka aim Bharat ko British rule se free karna tha. इस प्रकार भगत सिंह पेट्रियट्स के परिवार के थे. और व्हाट हॉरिबल थिंग हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919 को क्या बात हुई? व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे? ए पीसफुल क्राउड हैड गैदर्ड एट द जालियनवाला बाग इन अमृतसर. जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज मैन टू फायर एट द क्राउड. About 1,000 people were killed. More than 1,500 were wounded. इस दिन अमृतसर के जालियनवाला बाग में people जमा हुई थी मीटिंग के लिए. जनरल डायर ने अपने आदमियों को बीट पर, मतलब क्राउड पर, गोली चलाने का ऑर्डर दिया. About 1,000 लोग मारे गए थे, 1500 से ज़्यादा इंजूर्ड हुए थे 13 अप्रैल 1919 को. हाउ डिड द मसाकर ऑफ जालियनवाला बाग अफेक्ट भगत सिंह? जालियनवाला बाग किलिंग भगत सिंह को कैसे अफेक्ट किया? ही वॉज डीपली टच्ड एंड वॉज फिल्ड विद द डिजायर ऑफ रिवेंज. बदला लेने की इच्छा से उसका दिल भर गया. 6. वेयर डिड भगत सिंह गेट हिज एजुकेशन? भगत सिंह ने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया? ही गॉट हिज एजुकेशन एट द नेशनल कॉलेज लाहौर. उन्होंने अपनी एजुकेशन नेशनल कॉलेज लाहौर से कंप्लीट की. When did Bhagat Singh run away from home and why? Bhagat Singh ghar se kahan aur kyun bhage the? He ran away from home in 1924. His parents wanted him to get married, but Bhagat Singh first wanted to see his country free, so he ran away from home. वो 1924 में घर से भाग गया था. उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसका शादी हो जाए, लेकिन भगत सिंह पहले अपने देश का फ्रीडम देखना चाहते थे, इसलिए वो घर से भाग गया. 8.
Why did the people oppose the Simon Commission? लोगों ने क्यों साइमन कमीशन को ओपोज किया, प्रोटेस्ट क्यों किया? द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू फाइंड आउट इफ इंडिया शुड बी गिवन एनी फ्रीडम बट द कमीशन हैड ऑन इट नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव सो द पीपल ओपोज्ड इट. साइमन कमीशन को यह पता लगाने के लिए अपॉइंट किया गया था कि क्या इंडिया को कोई फ्रीडम दी जानी चाहिए, लेकिन ये कमीशन में ये ग्रुप में कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि नहीं था. तो लोगों ने इसका ओपोज किया, प्रोटेस्ट किया. हु डिड भगत सिंह डिसाइड टू किल एंड व्हाई? भगत सिंह किसको मारने के लिए डिसाइड किया और क्यों? Bhagat Singh decided to kill General Scott, who was responsible for Lala Lajpat Rai's death. Bhagat Singh ne General Scott ko marne ke liye decide kiya, jo Lala Lajpat Rai ki death ko responsible tha. Why did Bhagat Singh go underground? Bhagat Singh kyun hide kiya? Bhagat Singh had decided to kill General Scott, who was still alive. So he went underground and waited for his opportunity to kill the general. Bhagat Singh ne General Scott ko marne ka decide kiya tha, jo abhi tak zinda tha, alive tha, isliye wo hide kiya aur went underground. Then जनरल को मारने के लिए वेट किया. 7. Why did Bhagat Singh drop a bomb in the assembly hall? भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बॉम्ब क्यों डाला, क्यों फेंका बॉम्ब? भगत सिंह पर्पस वॉज नॉट टू किल एनीबडी, ही सिंपली वॉन्टेड टू ड्रॉ द गवर्नमेंट्स अटेंशन टूवर्ड्स द डिमांड फॉर इंडियाज फ्रीडम. दैट वॉज वाई he dropped the bomb on the floor and not on anybody. Bhagat Singh ne bomb feka lekin kisi ko marne ke liye nahi, wo bharat ki freedom ke liye government ka dhyan chahte the, isliye wo bomb floor par feka aur kisi par nahi, kisi ko marne ke liye nahi. Okay, to get government's attention. What sad thing happened on 23 March 1931? 23 March 1931 ko kya hui? What sad thing happened? Answer: Bhagat Singh was hanged on 23 March 1931. Bhagat Singh ko 23 March 1931 ko hang ki gayi thi. Bhagat Singh ki death 23 March 1931 को हुई थी. क्या?